रतलाम में 14 वर्षीय नाबालिग युवती से गैंगरेप मामले के सात आरोपियों में से पांच आरोपियों को मेडिकल के लिए ले जाते समय 1.25 किलोमीटर पैदल ले गई। पुलिस आरोपियों का जुलूस निकालते हुए जिला अस्पताल पहुंची। वहीं किशोर न्याय बोर्ड ने दोनों किशोर आरोपियों से 8 घंटे तक पूछताछ का पुलिस को आदेश दिया है। चौदह वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुराचार के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें से 5 आरोपियों को जिला अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाते समय बस खराब होने से पुलिस 5 आरोपियों को जिला अस्पताल तक 1.25 किलोमीटर पैदल ले गई। मेडिकल के बाद मिनी बस के द्वारा वापस थाने लाया गया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने एक पक्ष रखा कि हम लोग पिछले 5-6 दिनों में जो विभिन्न आरोपियों को गिरफ्तार किया हम लोगों ने, जो गैंगरेप वाला मामला था, इसमें 2 बाल अपचारी थे, वो तो बाल संप्रेषण कर भेजे जा चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो 5 बालिग लोग थे उनसे पूछताछ से बहुत सारे तथ्य सामने आए पुलिस के पास। उसके अलावा पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जिसमें CDR एनालिसिस, मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग, डंप डेटा आदि चीज़ें हम लोगों ने एनालिसिस किया, उससे बहुत सारे तथ्य ऐसे आए हमारे सामने जिसके लिए हमें बाल जो अपचारी हैं उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता है, इस केस को और पुख्ता कर सकें हम लोग, प्लस इसमें और एविडेंस कलेक्ट कर सकें। जैसे कई सारे ऑडियो क्लिप्स में इस तरह की बातें हैं कि पैसे के लिए ब्लैकमेल करना बार बार बच्ची को, या फिर कोई ईयर रिंग की बात आ रही है कि वो तुमको दिया था, तो इस संबंध में बहुत सारे तथ्य अभी हैं हमारे पास जिससे हमने पूछताछ करना आवश्यक है। प्लस जो ये 5 बालिग जो आरोपी हैं प्लस 2 बाल अपचारी हैं, इनके दो सबसे पूछताछ अलग अलग हो चुकी है, लेकिन इनके संबंध में और इनके आमने सामने करके पूछताछ करने जैसे बहुत सारे तथ्य हैं जो और हम लोग के सामने कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रिक्वेस्ट किया, तो माननीय न्यायालय ने हमें कल 8 घंटे की अनुमति दी है कि जब हम बालापचारियों से पूछताछ कर सकेंगे। साथ ही साथ इसमें जो कॉल रिकॉर्डिंग मिला है जिसमें ये लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं, एक्सट्रॉशन वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए जो कॉल रिकॉर्डिंग मिला है उसमें वॉइस सैंपल भी मैच करने के लिए जरूरत पड़ेगा, तो उन चीज़ों के लिए हम लोग साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन के लिए और उनके मिलान के लिए एविडेंस कलेक्शन के लिए कल इनसे पूछताछ करेंगे, और अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग पुनः रिमांड भी पढ़ाएंगे जो बालिग लोग हैं और बच्चे जो बाल अपचारी हैं उनसे अगर जरूरत पड़ता है तो हम माननीय न्यायालय से पुनः आग्रह करके इसको और बढ़ाने का रिक्वेस्ट करेंगे। जांच SIT का नेतृत्व कर रही पिंकी आकाश ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था। न्याय बोर्ड ने उस आवेदन पर छात्रा से ज्यादती करने वाले दोनों किशोर से 8 घंटे तक पूछताछ करने का आदेश पुलिस को दे दिया है। मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस पूछताछ करेगी। उधर बाल संप्रेक्षण गृह अधीक्षक को एक अलग कमरा उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है। दोनों किशोर आरोपियों ने मोबाइल फोन पर छात्रा को धमकाया भी था। जांच के लिए वॉइस सैंपल भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।